Hello students, welcome to our online class. In our previous class, we have discussed about the EBS chapter 10, the body machine. In our previous class, we have already discussed about some internal organs such as brain. In this class, we have some more internal organs. For example, heart, lungs, kidney, liver, stomach are discussed. First, heart. Have you ever placed your hand on your heart and heard a loop-doop-loop-doop sound? तुम लोग अपने चेस्ट में अगर लेफ्ट साइड में अपना हैंड को रखोगे तो उसमें एक साउंड तुम्हें सुनाई देगा, जैसे लुप डुप एक स्लोली साउंड होता है जिसको बोलते हैं हार्ट बीट. द हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट. तुम्हारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में जो एक ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हार्ट. ब्लड चेस्ट, इट इज ए बिग एज द साइज ऑफ ए क्लोज फिस्ट. ये साइज से बड़ा होता है और एक क्लोज फिस्ट जैसे पिक्चर में दिया गया है, इसलिए है तुम्हारा फिस्ट. इट इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पंपिंग ऑर्गन. ब्लड वेसल्स कॉल्ड वीन्स ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. जो ब्लड वेसल्स होता है या फिर जो ब्लड वेसल्स कॉल्ड वीन्स, वीन्स मतलब जो नस होता है, इम्प्योर ब्लड टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट के राइट साइड में वो ब्लड जाता है. इम्प्योर ब्लड हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. द हार्ट सेंड्स दिस ब्लड टू द लंग्स टू बी मेड प्योर. हार्ट से वो सेंड होके जाता है, वो ब्लड सेंड होके जाता है लंग से और प्योर होके निकलता है. देन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव प्योर ब्लड. उसके बाद लेफ्ट साइड में वो ब्लड प्योर होके आता है हार्ट में. व्हिच इज रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, जो कि ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होता है. द हार्ट पम्प्स द प्योर ब्लड इन टू आर्टरीज व्हिच कैरी इट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरी के जरिए बॉडी के ऑल द पार्ट्स में जाता है. आर्टरी मतलब वो जो धमनियाँ होता है उसके थ्रू से बॉडी के पूरे पार्ट में जाता है. नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन्स है लंग्स. लंग्स आर टू स्पॉन्ज लाइक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट फिल द चेस्ट कैविटी. जो लंग्स होता है जैसे पिक्चर में दिया गया है, देखो ये है स्पॉन्ज लाइक, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, कोन शेप्ड का होता है. ये है लंग्स का पिक्चर. द रिबकेज प्रोटेक्ट द लंग्स. द रिबकेज प्रोटेक्ट द लंग्स. रिबकेज मतलब जो पंजर होता है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. दे आर क्लोज टुगेदर एज दे नीड टू वर्क टुगेदर. दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं और एक साथ काम भी करते हैं. लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ इन एंड आउट. जो लंग्स होता है वो ब्रेथिंग में हेल्प करता है. When we breathe in air, which is oxygen, हम लोग जो ब्रेथ करते हैं जो कि ऑक्सीजन होता है, it goes to our lungs through the windpipe. जो हम लोग जो लंग्स के जरिए जो ब्रेथिंग करते हैं वो windpipe से जाता है. The oxygen passes from the lungs into the blood, which reaches the heart. जो ऑक्सीजन लंग्स के जरिए पास होकर ब्लड में जाता है, लंग्स इनटू द ब्लड व्हिच रीचेस द हार्ट, उस वो हार्ट में भी जाता है. द हार्ट सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और हार्ट से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है. द बॉडी यूजेस ऑफ द ऑक्सीजन इट नीड्स एंड सेंड्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्लड टू द लंग्स. बॉडी में जितना ऑक्सीजन जरूरी होता है वो उतना रखकर जो सेंड बैक वो जितना सेंड कर देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
ओब्लॉट के जरिए लॉन्ग्स में चला जाता है। देन वी एक्सेल दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर नोज। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम अपने नोज के जरिए, नाक के जरिए वो एक्सेल कर देते हैं। नेक्स्ट है किडनी। किडनी आर टू बीन शेप स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। देयर इज वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। किडनी फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट पास्ट इन टू द ब्लड बाय आवर बॉडी, दे रिलीज द एक्सेस वाटर एज यूरिन। ये किडनी का पिक्चर है। किडनी आर टू बीन शेप्ड। बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर शब्द एब्डोमेन, बीन शेप्ड मतलब जो तुम्हारा जो बीन ग्रेन्स होता है देखो उसके जैसा शेप का है। देयर इज वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, जो कि हमारे बैकबोन के आइदर साइड में, अदर साइड में होता है। किडनी फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट पास्ट इन टू द ब्लड बाय आवर बॉडी। जो किडनी होता है हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जाता है, पास्ट इन टू द ब्लड बाय आवर बॉडी। दे रिलीज द एक्सेस वाटर एज यूरिन, एंड यूरिन से जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज कर देता है। नेक्स्ट है लीवर। ये है लीवर का पिक्चर। द लीवर इज द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी के सबसे सॉलिड ऑर्गन है और लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर। इट इज लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमेन अंडर द रिब केज। जो हमारे बॉडी के राइट हैंड साइड में ये लीवर रहता है। इट हैज सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस। बहुत सारा इसका लीवर का काम होता है। इट प्रोड्यूस ए लिक्विड कॉल्ड बाइल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। लीवर में एक लिक्विड निकलता है जिसका नाम है बाइल, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सुगर्स। इट क्लीन्स द ब्लड दैट गेट्स रिच विद विटामिन्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग डाइजेशन। बहुत सारे कामों में लीवर हेल्प करता है। एक तो है इसके जो लिक्विड निकलता है उसको वो डाइजेशन होने में हेल्प करता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सुगर। इट क्लीन्स द ब्लड, ब्लड को साफ करता है। दैट गेट्स रिच विद विटामिन्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टोमक।